एक औरत तंदूर पर रोटियां पका रही थी। उसका बच्चा बार बार आके पास जाता था और वो बच्चे को आग से दूर बिठा देती। हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे ये सब देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ये ऐसा क्यों करती है? सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ताकि बच्चा आग से बच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब बिल्कुल इसी तरह अपने मखलूक को आग से बचाने की कोशिश करता है, मगर मखलूक बच्चे की तरह बार बार आग के करीब भागी जाती है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जो वालदैन की खिदमत करके उनकी दुआ नहीं लेता और लोगों से कहता फिरता है मेरे लिए दुआ करना। बदनसीब है वो शख्स जो फजर के वक्त सोया रहता है और लोगों से तंगी रिस्क का शिकवा करता है। बदनसीब है वो शख्स जो नमाज इशा नहीं पढ़ता और दुआओं में पुरसकून नींद तलाश करता है। बदनसीब है वो शख्स जिसने माह रमज़ान पाया और अपने रब को राज़ी ना कर सका। दुआ है उस रब रहीम से कि हम सब पर रहम फरमाए। दुआ है उस रब इज़्ज़त से कि हमारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए।